सो हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्म मास्क को कैसे यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म मास्क को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ आउटपुट आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे आप यूज कर सकते हैं और उससे क्या रिजल्ट निकलेगा। तो मैंने कुछ काम करा हुआ है, जैसे कि मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ, आपको कुछ फिर आउटपुट दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारी ओरिजिनल फुटेज है, इसमें से हम ये वायर रिमूव करने वाले हैं, ये सारी वायर्स को। तो कैसे आप रिमूव कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म मास्क की मदद से, बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में। ये देखिए, तो मैंने ये कुछ काम करा हुआ है, ये देखिए पूरे मैंने वायर्स 100 फ्रेम्स तक रिमूव करी हुई हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ मैंने ये आपको दिखा रहा हूँ स्टार्टिंग में, और उसके बाद मैं चलिए अभी ये तो मैंने रिमूव करी हुई है, अभी इन्हें मैंने रिमूव कैसे करा हुआ है ट्रांसफॉर्म मास्क की मदद से बहुत ही कम से कम टाइम में। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइनली ये आ गए हम न्यूक पे। तो ये हमारा कुछ ओरिजिनल फुटेज है, मैं शिफ्ट F3 प्रेस कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेआउट सुटेबल है अपना काम करने के लिए। वो प्रेस कर लीजिए, एक रोटो शेप आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पे इस वायर के लिए पर्टिकुलर। अगर ये वायर निकाल रिमूव करनी है तो एक रोटो शेप आप ड्रॉ कर लीजिए ऐसा, ठीक है। मैं धीरे से क्या करता हूँ, सो मैंने यहाँ पे ये रोटो शेप ड्रॉ कर ली हुई है। ओके, अभी आपको क्या करना है, टैब प्रेस करना है और आपको लेना है ट्रांसफॉर्म मास्क। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ट्रांसफॉर्म मास्क का, ये ऐसा है कुछ आप ले सकते हैं ट्रांसफॉर्म मास्क। उसके बाद आप क्या करना है, इसमें ये एक मास्क का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। जैसा कि आप ट्रांसफॉर्म के बारे में जानती हैं, मैंने कि लास्ट के कुछ क्लासेस में ट्रांसफॉर्म को फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो इसमें सिंपली सब कुछ वही रहेगा। ओनली ये जो आपको मास्किंग का ऑप्शन मिलता है, ये मास्किंग का ऑप्शन उस ट्रांसफॉर्म में नहीं था, इस ट्रांसफॉर्म में आपको ये मास्किंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये इतना डिफरेंस है। अगर आप कुछ देखना चाहें तो मैं राइट साइड में उसके लिए कुछ लिंक दे दूंगा ऊपर, जिससे आप ट्रांसफॉर्म के बारे में नहीं जानते तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी हम अपने शॉट पे वापस आ जाते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट एक मिल जाए, कंट्रोल के साथ आप इसको ड्रैग करके कहीं भी ड्रॉप कर सकते हैं ऐसे। तो अभी के लिए 10 की जगह हम कर देते हैं 1 प्रॉपर्टीज़ में। अभी इसको पकड़ना है और ये जो वैल्यूज़ है ट्रांसलेशन वैल्यूज़, इनको हमें चेंज करना है। तो चलिए, मैं जैसा आप देख पा रहे हैं, मैं धीरे धीरे इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैंने चेंज किया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ क्या है, ये वायर हमारी रिमूव होके आ गई है यहाँ पर। तो चलिए प्ले करके देख लेते हैं, रिमूव हुई है, लेकिन नेक्स्ट फ्रेम पे जैसे ही जाएंगे वो वापस से आ जाती है, क्योंकि रीज़न क्या है, हमें इस वायर के अकॉर्डिंग इस रोटो को एनिमेट करना है, जो कि अभी सभी वायर के लिए जाएंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसके लिए मैं आसान और एक बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। तो आप ट्रैक का यूज करिए, टैब प्रेस करिए ट्रैक। ट्रैक के बारे में पहले मैंने बताया था, अभी तक मैंने फुल डिटेल के ट्रैकर के बारे में नहीं बताया, मैं नेक्स्ट क्लासेस में ट्रैकर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अभी हम देख लेंगे, आपको यहां पे जाना है और यहां पे कोई एक हाईलाइट पॉइंट, जो भी पॉइंट्स आपको बेस्ट लगे वहां पे आप इसको रख दीजिए। मैं यहां क्लिक कर देता हूं, ये हमारा ट्रैकर आ गया। अभी ट्रैकर को आपको अपने ओरिजिनल फुटेज से ऐसे कनेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है इसका, तो यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ सिंपली। तो जैसे क्लिक करता हूँ ये ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई, जैसा आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी आप जा देख सकते हैं, यहाँ पर तो थोड़ा सा ये 10 से 15 सेकंड लेने वाला है, तब तक हम वेट कर लेंगे और देखते रहेंगे कैसा क्या होता है। ओके, ये 100 फ्रेम कंप्लीट हो गया। एक्चुअली शॉर्ट थोड़ा लंबा है इसलिए हो रहा, मैं अभी कैंसिल कर दूंगा यहाँ से। तो 100 फ्रेम तक ही देखने वाले हैं आज। अभी आप अपने फर्स्ट फ्रेम पे, जिस फ्रेम में रोटो ड्रॉ करा हुआ है वहाँ पर आ जाइए। तो मैंने फर्स्ट फ्रेम पर ड्रॉ किया, फर्स्ट फ्रेम पर आ जाते हैं, ट्रैकर को यहाँ से रिमूव करिए और यहाँ जाके ट्रैकर को कनेक्ट कर दीजिए ऐसे। कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म पे चले जाना है, यहाँ पे सेट फ्रेम सेम है, यहाँ पे आप कर देना है मैच मूव। चलिए अभी देख लेते हैं क्या यूज रहा है, यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। देखिए, जैसे हमने ट्रैकर को ऐड किया है, यहाँ पे पूरी तरीके से ये वायर रिमूव होके यहाँ से आ गई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सो सेम प्रोसेस हमें फिर से रिपीट करना है सेकेंड वायर के लिए, तो चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ, फिर से मैं एक रोटो शेप ले लेता हूँ, वो प्रेस करेंगे रोटो शेप आ जाएगा। आपको रोटो शेप ड्रॉ कर लेनी है, मैं ये रोटो शेप ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ एक। ऐसा कुछ हमने रोटो शेप ड्रॉ करी हुई है। अब सेम मैं क्या करूँगा, फिर से मुझे एक ट्रांसफॉर्म मास्क चाहिए, यहाँ से ट्रैकर आ गया हमारा, ट्रैकर को कॉपी करना है आपको
सेम इसके नीचे पेस्ट कर देना है। आपको फिर से एक ट्रांसफॉर्म मास्क चाहिए, जैसा आप देखेंगे ये अब ट्रांसफॉर्म मास्क मिल जाता है, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दीजिए। मैं जैसे सेंटर पॉइंट को आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पे रख के कर सकते हैं, और मैं ट्रांसलेशन को चेंज कर दूंगा ऐसा। अभी चलिए मैं दिखा देता हूँ प्ले करके। सो जैसे कि मैंने ये दो वायर्स रिमूव करी हुई हैं, जैसे दो वायर रिमूव किए कुछ प्रॉब्लम्स आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। तो इसके लिए वापस से आप इसको रोटो कर सकते हैं, जैसे इस फ्रेम पे, जैसे कहाँ पे आ रहा है ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा, तो समथिंग यहाँ से है, तो इसको आप रोटो करके जैसा कि ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, चलिए मैं एक बार दिखाई देता हूँ आपको ऐसा कुछ, जैसे मैं कर देता हूँ ऐसे। ऐसा मैंने किया है, सिंपली मैं ट्रैकर को लूँगा जिस फ्रेम पे मैंने रोटो सेव ड्रा करी हुई है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाके आप सेट दिस फ्रेम कर दीजिए, और फिर से आपको ले लेना है ट्रांसफॉर्म मास्क। यहाँ से मैं कर देता हूँ कनेक्ट, और यहाँ पे ऐसे कुछ कर देता हूँ। आपको फिर से क्या करना है, ये सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। मैं कुछ ऐसा, देखिए सॉरी, आपको ब्लैक ऐसा मिल गया होगा तो इसका रीजन क्या है, सॉरी यहाँ आर जी बी कर दीजिए। देखिए अभी ऐसा कुछ आ गया है, तो मैं इसको ले लूँगा, ट्रांसलेशन की वैल्यू चेंज कर दूंगा थोड़ा सा, इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ब्लैक एरिया हमारा रिमूव हो गया। तो जो प्रॉब्लम आएंगी उसके लिए भी सेम वर्क आपको करते रहना है ऐसे, जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम दिखे ये प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करते रहना, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा बहुत तो आपको टाइम लगेगा ही, तो लास्ट में कुछ ऐसा आउटपुट आप लेके आ सकते हैं। ये वायर्स भी आप रिमूव कर सकते हैं, बट जो कि ये सिंपली मुझे दिखाने के लिए था तो मैंने इतना ही किया। तो आपने ये तो देख ही लिया हो कैसे किया, अब मैंने लास्ट टाइम कितना बड़ा स्क्रिप्ट बनाया था और कैसे किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप जैसा देख पा रहे हैं, मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट 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 एंड रिपीट करता रहा। थोड़ी ये थोड़ा टाइम तो लगा मुझे, तकरीबन 1 घंटे मुझे लग गए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट कर रहा था। आप करेंगे थोड़ा बहुत टाइम आपको भी लगेगा, तो ऐसे आप ट्रांसफॉर्म मास्क का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये ट्रांसफॉर्म मास्क अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसकी यूज कैसे कर सकते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में तो इतना ही था, लेकिन अगर मैंने ये काम किया हुआ है, मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में आगे के इस वीडियो में प्ले करने वाला हूँ। अगर आप देखना चाहें मुझे कितना टाइम लगा, तो इस टाइम को आप काउंट कर सकते हैं कि हाँ इतना काम करने में 100 फ्रेम का शॉट था, कितना टाइम लगा, तो आप देख सकते हैं मुझे कि कितना टाइम लगा ये काम को कंप्लीट करने में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते तो यहाँ से आप इस रूल को स्किप कर सकते हैं और घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, आगे आप देखना चाहें तो देखें। थैंक यू।